वाटर एवरीवेयर। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। इसमें राइटर बताता है कि हर तरफ जो शिप थी उसमें हर तरफ पानी फैल चुका था, वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी हर तरफ पानी फैल चुका था, और उसको ऐसा लगा कि जहाज़ का जो निचला पोर्शन था वहाँ तक उसमें भी पानी आ गया था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर्ड नॉट। वर्ड डेयर्ड मतलब हिम्मत दिखाना, साहस, डेयर एबंडन टू लीव छोड़ना, लेकिन वो द व्हील टू इन्वेस्टिगेट फाइंड आउट पता करना, लेकिन उसको पता करने के लिए जाकर देखने के लिए वह व्हील को छोड़ने का साहस नहीं दिखा पाया। इस तरह से कि उसको लगा ऐसा कि पानी भरा हुआ है लेकिन उसको व्हील को छोड़ करके नहीं जाता, नहीं गया। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपियर्ड। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड। द फ्रंट हैच ऐसे ए स्मॉल ओपनिंग इन द फ्लोर, शिप में जो उनके रहने की जगह बनाई गई थी, तो इधर वाज थ्रोन ओपन झटके से खुलता है। एंड मैरी अपियर्ड, मैरी सामने आती है, दिखाई पड़ती है। वी वेयर सिंकिंग, और वो कहती है इसी स्क्रीम चीखते हुए कहती है कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, द वर्ड स्मैश्ड का मतलब जैसे ब्रोकन, स्मैश ब्रोकन टूटा हुआ, टूट चुके थे। वी आर फुल ऑफ वाटर, और वो कह रहे कि हमारे पास तक पूरा पानी भर गया है। टेक द व्हील, राइटर जो है उसको कहता है कि उसके पहिए को पकड़े। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। आई वो चिल्लाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि उस पहिए को पकड़ो, और कह रहा है कि आई स्क्रैम्बल्ड फॉर, तो यहाँ जो वर्ड स्क्रैम्बल्ड फॉर यानी ट्राई टू कैच, प्रयास करता है उसके उस ओपनिंग गैप की तरफ जाने के लिए, हैच की तरफ जाने के लिए प्रयास करते हुए कहता है कि व्हील को पकड़ो। क्योंकि इस समय जो दो उसने क्रूमैन लिए हुए थे, दो सेलर उसने जो हायर्ड किया था, लैरी और हर्ब, वो क्या कर रहे थे, कह रहा है कि लैरी एंड हर्ब वेयर पंपिंग लाइक मैड मैन। वे जो है लगातार सीप से पानी निकालने का प्रयास कर रहे थे, उसको निकालने के काम में लगे हुए थे। नहीं, लाइक ए मैड मैन, यानी कोई दूसरी चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही थी, केवल उनको ये था कि जो सीप में पानी भर गया है उसको किसी तरह से निकाला जाए। ब्रोकन टिम्बर्स, जो लकड़ी थी टूटी हुई लकड़ी, ब्रोकन टिम्बर्स हैंग एट क्रेजी एंगल्स, जैसे लकड़ी टूट करके कई तरफ बिखरी होती है तो उसमें कई तरह के एंगल्स बन जाते हैं, कोण की तरह हो जाते हैं, तो वही कह रहा है कि हैंग एट क्रेजी एंगल्स। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, और जो पूरा उसका पोर्शन था शिप का वो अंदर की तरफ धस गया था, इनवर्ड बल्ज इनवर्ड, और वो टूट चुका था, जो टिम्बर था, जो लकड़ी का बना हुआ पोर्शन था, वो भी काफ़ी टूट चुका था। साथ ही साथ जो क्लॉथेस थे, क्रेकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज, स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, स्लॉस्ड अबाउट मूव्ड अराउंड, आसपास तैर रहे थे गहरे पानी में, जो क्लॉथेस थे, क्रॉकरीज या चार्ट्स, चीनी मिट्टी के जो बर्तन, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स, ये जो टॉयज थे वो पानी में तैर रहे थे। आई हाफ स्वेम
half crawled into the children's cabin. Half स्वयं जैसे आधे तैरते हुए रेंगते हुए वो बच्चों की केबिन तक गया. आर यू ऑल राइट आई आस्क्ड, जाकर उनसे पूछा क्या सब ठीक हो. यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपरी जो बंक था, बंक स्लीपिंग बर्थ, तो बंक से उन्होंने आंसर दिया कि हाँ वे बिल्कुल ठीक हैं. बट माई हेड हर्ट्स ए बीट, सेड सू पॉइंटिंग टू ए बिग बम एबव हर आईज. लेकिन सू ने बताया कि उसके सिर पर चोट लग गई है और उसके वजह से एक बड़ा सा स्वेलिंग, सूजन जो है उसकी आँख के ऊपर आ गया. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड. बम्प्ड हेड इन बन सूजन और जो सिर में चोट लगी थी. तो कह रहा है, एक राइटर बता रहा है कि इस समय उसके पास उसके सूजन, सिर के सूजन या चोट के बारे में सोचने का समय नहीं था. आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रूज एंड कैनवास आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक. डेक पर आ जाता है क्या लेकर के, तो एक हैमर, स्क्रूज और कैनवास. विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ट ओपन वी वेयर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. जो जहाज थे उसका जो स्टार बोर्ड राइट हैंड साइड ऑफ द सीप, राइट साइड जो था दाहिनी तरफ जो सीप थी, वो जो टूटा हुआ पोर्शन था, तो वहाँ से जब भी कोई वेव आती थी, कोई तरंग आती थी, तो पानी उस पर चारों तरफ फैल जाता था और लगातार पानी सीप में आ रहा था. वी वेयर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, दिया है कि हर एक वेव आने के बाद जैसे ब्रोक ओवर, जब कोई वेव उसके ऊपर आती थी तो उसका पानी भी सीप में भरता था. इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक. कहता है कि यदि हम उसको कुछ रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम डूब जाएंगे. Somehow, I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping hole. Gaping जो hole बने हुए थे उसको बंद करता है. Some water continued to stream below, but most of it now being deflected overside to give the other direction. Deflect करना. Problems arose. When our hand pumps started to block with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अब जो उसके सामने समस्याएं खड़ी होती हैं, तो जो दो उसके हैंड पंप हैं वो ब्लॉक होने लगते हैं, जो वहाँ डेब्रिस या जो कचरा वगैरह आ जाता है उसके वजह से, और जो इलेक्ट्रिक पंप होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें. द वाटर लेवल थ्री टेंगली, पानी का जो स्तर है रोज थ्री टेंगली काफ़ी तेज़ी से, खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है. बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवर बोर्ड एलॉन्ग विथ द फोर स्टे सेल, द जीव, द डिंगीज एंड द मेन एंकर. अब जो उसके मेन सेल था, जो जीप थी या जो डिंगी जो छोटी नाव थी और मेन जो एंकर था, वो सो जो है अब रेंज पानी में उसके ऊपर डूबे हुए थे. वहाँ पर ट्विस्टेड या स्प्रेड बिखरे हुए थे चारों तरफ रेंज्ड स्टेट बोर्ड. देन आई रिमेम्बर्ड वी हैव अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क.
अंत में उसके चार्ट रूम में एक पंप है और उससे वो बाहर के एक पाइप से कनेक्ट किया, और वो धन्यवाद इस बात के दे रहा है कि वो एक पंप था जो काम किया। इस तरह से पानी जो सीप में बढ़ रहा था वो निकलने लगता है, बाहर करने लगता है। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन इंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। सारी सारी रात ड्रैग्ड विथ एन ड्रैग्ड विथ एन इंडलेस पास्ट विथ डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई के साथ बिटरली जो थी रात जो थी वो बीती, जिसमें काफ़ी लगातार वो पंपिंग करते रहे, पानी को बाहर निकालते रहे रूटीन बना करके, और उस पर रेडियो पर काम करते रहे सिग्नल के लिए। वी वेयर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, जो वह सिग्नल था जो संकेत वो भेज रहे थे उसकी कोई रिप्लाई उनको नहीं मिल रही थी। इसका रीजन भी यहाँ लिख रहा है कि विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के एक सुदूर कोने तक वो पहुँचे हुए थे और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। सू हेड हैड स्वेलन अलार्मिंगली, काफ़ी अधिक। सी हैड टू एनॉर्म्स इनोर्स इन लार्ज ब्लैक ब्लैक आइज एंड नाउ सी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म। व्हेन आई आस्क व्हाई सी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजुरीज बिफोर दिस, सी रिप्लाइड आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वेयर ट्राइंग टू सेव अस आर। तो इस लाइन में उन बच्चों के साहस के बारे में भी बता रहा है और उनकी सोच किस तरह से थी उस समय। अपने वो चोट के बारे में अपने पिता को नहीं बताते हैं कि, क्योंकि वो कहते हैं कि उस समय उनको चिंतित करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो सबको बचाने का प्रयास कर रहे थे।